CMS founder Dr. Jagdish Gandhi has been motivating parents and generations of good and smart children through holding special prayer assemblies and divine education conferences. Dear friends, I am a man of education. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. The world requires the change. एक तो होती है पढ़ाई और एक होती है प्रेरणा. Teachers need to practice patterns of behavior that create a climate of encouragement in the classroom. तो teachers का सबसे बड़ा काम है climate of encouragement पैदा करना. आपने जो बच्चों को encourage किया, motivate किया, inspire किया, इसीलिए मैं कहता हूँ teachers need to practice patterns of behavior that create a climate of encouragement in the classroom. कभी भी बच्चों को ये कहने से तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ते नहीं हो, this doesn't help at all. What helps a child to grow, and that is only encouragement, only encouragement, only encouragement, only motivation, only motivation, only motivation, only inspiration, only inspiration, only inspiration. तो जितना आप inspiration करेंगे, जितना motivation करेंगे, बच्चे हर field में अपनी अपनी सुविधा अनुसार जा सकते हैं. तो ये CMS के बच्चे यहाँ छोटी उम्र में आके इतने बड़े बड़े माइटी बनते हैं. बहुत ही असाधारण कार्य टीचिंग का कार्य, प्रोफेशन टीचिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण है. इस प्रोफेशन से बड़ा कोई प्रोफेशन नहीं है. हमारे इस युग के अवतार बाहुल्ला ने कहा है, अमंग द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रेट सर्विसेज दैट कैन पॉसिबली बी रेंडर्ड बाई ए मैन टू ऑलमाइटी गॉड इज द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, बिल्डिंग देयर करेक्टर एंड इनकल्केटिंग इन देयर टेंडर हार्ट्स द लव ऑफ गॉड. इस दुनिया में जितनी भी सेवाएं परमात्मा की किसी मनुष्य के द्वारा संभव है किया जाना, उन सारी सेवाओं में सर्वोत्तम सेवा परमात्मा स्वयं कहता है ये है बच्चों की शिक्षा, उनके चरित्र का निर्माण और उनके अंदर ईश्वर भक्ति की भावना का उदय करना. और ये काम केवल टीचर्स कर सकते हैं, क्योंकि आज माता पिता के पास भी समय नहीं है इन चीज़ों के लिए. तो ये पूरी जिम्मेवारी एक टीचर के ऊपर आ गई है, एक विद्यालय पर आ गई है, क्योंकि विद्यालय स्कूल मस्ट बी रेस्टोर्ड टू इट्स ट्रेडिशनल रोल एज द लाइट ऑफ द सोसाइटी एंड टीचर्स मस्ट बी रेस्टोर्ड एज द ट्रांसमिटर्स ऑफ मॉरलिटी, बिल्डर्स ऑफ करेक्टर एंड कस्टोडियंस ऑफ द कल्चर. तो ये तीन चीज़ें टीचर्स ही कर सकते हैं. दे कैन बिकम द कस्टोडियंस ऑफ द कल्चर और दे कैन मोल्ड द करेक्टर ऑफ ए चाइल्ड. तो ये बाल्यावस्था से ही होता है. और जितना हम अभी हमारे प्री प्राइमरी और प्राइमरी के अलीगंज के टीचर्स ने, अलीगंज वन के टीचर्स ने आपके सामने एक परिवार के महत्व पर इतना सुंदर वर्ल्ड की पार्लियामेंट पेश करी, इतनी एक महत्वपूर्ण विषय पर जो जिसकी आज बहुत ज़रूरत है. परिवारों में हमारे विच्छिन्नता आ रही है, यहाँ तक कि दूरियाँ बढ़ रही हैं पति पत्नी के बीच में. तो दोनों के हृदय पवित्र हों, एक हों, इसकी आज बहुत ज़रूरत है. यूनिटी ऑफ हार्ट, ओ माई गॉड unite the hearts of thy servants and reveal to them the great purpose. May they follow thy commandments and abide in thy law. Help them, O God, in their endeavor and grant them strength to serve thee. O God, leave them not to themselves, but guide their steps by the light of thy knowledge and cheer their hearts by thy love. Verily, thou art their helper and their Lord. So, ye jo hamare hirday hain, ye ek kar de hirday apne sevakon ke he Prabhu. और निज महान उद्देश्य उन पर कर प्रकट मेरे भी हो. तो ये बहुत ज़रूरी है इस परिवार की एकता. हमारे यहाँ जो टीचर गार्जियनशिप का इंस्टीट्यूशन है, ये अति महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है. ये साधारण नहीं है, ये असाधारण है. इसके द्वारा हम विद्यालय की फिलोसफी को, जो विद्यालय का दर्शन है, विद्यालय के विचार हैं, उसको पेरेंट्स तक ले जा सकते हैं इंडिविजुअली, वन टू वन. हमारी टीचर जब जाती हैं तो वो वन टू वन टॉक करती हैं बच्चे की माँ से और उसके पिता से. तो ये वन टू वन टॉक के द्वारा भी जो हमारी फिलॉसफी है, सब धर्म की एकता है, विश्व बंधुत्व है, विश्व प्रेम है, भारत के संविधान पर हमें गर्व होना चाहिए, ख़ासतौर से अनुच्छेद 51 पर जो लिखा है, और ख़ासतौर से हमारी भारत की सभ्यता और संस्कृति है उदार चरिता नाम, तो वसुधैव कुटुंबकम, दो चीज़ों पर हमें अपने बच्चों को गर्व करने की प्रेरणा देनी चाहिए. एक है हमारी सभ्यता और संस्कृति का मूल मंत्र कि हम उदार चरित्र के हैं
और उदार चरित्र के लोगों के लिए ये सारी पृथ्वी, ये सारी वसुधा एक कुटुंब है, ये एक परिवार है परमात्मा का, और हम उस परिवार के सदस्य हैं, और हमारे परिवार का मुखिया परमात्मा स्वयं है इस सृष्टि का। तो ये जो हमारी फिलॉसफी है, दर्शन है, इस पर बच्चों को बताना और इसको समझाना और इस पर गर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो हम बच्चों को ये ट्रेनिंग दें शुरू से ही कि इस पर वो ध्यान दें। इसके अलावा अपना संविधान, इसको बहुत ज़्यादा हमें याद दिलाना चाहिए। सारे विश्व के अंदर ऐसा संविधान दुनिया का कहीं भी नहीं है। इस संविधान में अनुच्छेद 51 है, इसमें लिखा है द स्टेट शैल एंडेवर ए टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बी मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, सी फर्स्ट रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, एंड डी एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। सच पूछिए तो हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे देश के मनीषियों ने, महान पुरुष थे वो, उन्होंने 3 वर्ष तक विचार करके इतना सुंदर ये प्राविधान दे दिया जो दुनिया के किसी भी संविधान में नहीं है। इस पर हमें गर्व करना चाहिए, और इस पर हम चीफ जस्टिसेस की कॉन्फ्रेंस करते हैं, सारे वर्ल्ड के चीफ जस्टिस इस संविधान पर विचार करने के लिए आते हैं। आप बताइए, यदि ये आर्टिकल 51 इतना महत्वपूर्ण होता तो सारे दुनिया के चीफ जस्टिस हमारे लिए नहीं आते, CMS के लिए नहीं आते, जगदीश गांधी के इन्विटेशन पर नहीं आते। वो इसलिए आते हैं कि सिटी मॉडल स्कूल के टीचर्स और बच्चे और मैनेजर मिलके एक ऐसी चीज़ उठाई है जो विश्व का संविधान के लिए आवश्यक है। ये तो वर्ल्ड का जो संविधान बनेगा उसके लिए है। वर्ल्ड का संविधान क्या करेगा? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट विल ए प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जो ऊपर लिखा है ए। बी क्या करेगा वर्ल्ड गवर्नमेंट का संविधान में क्या लिखा जाएगा? मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस। वर्ल्ड के संविधान में तीसरा क्या प्राविधान होगा जो इसमें लिखा हुआ है? वो है फर्स्ट रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, उसमें हो जाएगा फर्स्ट रेस्पेक्ट फॉर वर्ल्ड लॉ, दैट विल बी वर्ल्ड लॉ, वर्ल्ड के लिए लॉ। और चौथा क्या है इसका? एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। तो वर्ल्ड का संविधान में भी यही होगा, एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, युद्धों के द्वारा नहीं, आर्मीज के द्वारा नहीं, आर्मामेंट के द्वारा नहीं, आर्बिट्रेशन के द्वारा हो। और आर्बिट्रेशन या तो वर्ल्ड गवर्नमेंट करेगी, और वर्ल्ड गवर्नमेंट के फैसले से कोई भी राष्ट्र, अब जैसे इंडिया पाकिस्तान का आए दिन झगड़ा है, इंडिया खुश ना हो या पाकिस्तान खुश ना हो, या इसराइल और पैलेस्टाइन का झगड़ा ले लें, या साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का ले लें, चाहे आप कोई भी झगड़े ले लीजिए, ईरान इराक का ले लीजिए, तो कोई भी देश ये संतुष्ट नहीं है वर्ल्ड गवर्नमेंट के फैसले से, तो वो वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है। वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस भी बनाना पड़ेगा, वो है नहीं, वो बनाना है, तो वर्ल्ड की पार्लियामेंट बन, और वो भी नहीं है, उससे भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप वर्ल्ड के कोर्ट, वर्ल्ड की जो पार्लियामेंट है उसमें आप जा सकते हैं, और पार्लियामेंटेरियंस कोई लॉ में अमेंड करना चाहें तो पार्लियामेंट लॉ में अमेंड कर सकती है। तो लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड वर्ल्ड पार्लियामेंट की ज़रूरत है, और इसमें आर्बिट्रेशन आज दुनिया में कहीं है नहीं। तो हमारी कोशिश क्या है कि जो आर्बिट्रेशन नहीं है, वैकुम है वर्ल्ड में, उस वैकुम को भरना है। इसके लिए हम शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, ये कोई साधारण परीक्षा पास करने के लिए शिक्षा नहीं है CMS की, कि हमने उन्हें नंबर बहुत अच्छे दिला दिए, 90% ले आए, 99% ले आए, या IAS हो गए, ये नहीं है। इससे बड़ी चीज़ है हमारी, और वो है कि हमें एक ऐसे इंसान बनाने हैं जो दुनिया में जो चारों तरफ हाहाकार है, मारामारी है, कत्लेआम है, खून खराबा है, इसमें परिवर्तन ला सकें, इसको एक कर सकें। एक दिन दुनिया एक करूँगा, धरती स्वर्ग बनाऊँगा, विश्व शांति का सपना एक दिन सच करके दिखलाऊँगा, वन डे आई विल यूनाइट द वर्ल्ड, एक दिन दुनिया एक करूँगा। तो ये भावना बच्चे के मन में जमा देनी है, उसके संस्कारों में, उसके ख्यालात में बचपन से। और ये ख्यालात, अब आप कहें कि गांधी जी का काम है देना, भैया मेरे ख्याल से ये उचित नहीं होगा, गांधी जी तो आपको दे दिए, अब आपका काम है बच्चों को देना।
बच्चों को कभी कभी हम आ सकते हैं, साल में एक बार आपके यहाँ बच्चों से कुछ कह दें, लेकिन रोजाना तो आप ही को उन बच्चों से डील करना है। अब जो हम बताते हैं, यदि आपको ये बात पसंद आवे तो फिर आप उसे बच्चों को बताइए, क्लास शुरू होने के पहले बताइए, क्लास अंत के बाद बताइए, जब भी मौका लगे बताइए, प्रेयर असेंबली में बताइए, आप अपने कार्यक्रमों के माध्यम से तो सारे ये चीज़ें प्रस्तुत कर रहे हैं। वर्ल्ड पार्लियामेंट आप करते हैं तो उसमें आप बता रहे हैं कि भैया अब ये यूनाइटेड नेशन जिसमें 5 वीटो पावर हैं, अमेरिका, चाइना, रशिया और फ्रांस और इंग्लैंड, ये नहीं चाहिए हमको, हमें तो ऐसी पार्लियामेंट चाहिए जिसमें किसी को वीटो पावर न हो। 193 राष्ट्र मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के, 192 राष्ट्र मिलकर कोई फैसला कर लें, वो नहीं मान्य होगा यदि एक वीटो पावर ये कह दे कि जी मैं नहीं चाहता, तो बस वही होगा जो एक चाह रहा। ये मतलब दुनिया दादागिरी से चल रही है। अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस और इंग्लैंड, ये 5 कंट्रीज हैं जिनके पास मारक क्षमता है, मारने की क्षमता, न्यूक्लियर बम है बड़ी भारी तादाद में, ये दुनिया को नष्ट कर सकते हैं, इनके पास पावर है, ये जो चाहेंगे वो होगा। मैंने दुनिया दादाओं के द्वारा चल रही है, तो ये हमारे स्कूल को मंजूर नहीं है। हमने कहा कि ये गलत है, इसमें परिवर्तन होना चाहिए, और इसीलिए तो ये CMS क्यों चलाया जा रहा है। CMS में ये पढ़ाई लिखाई खाली के लिए नहीं है, इन बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं पढ़ लिख के भी योग्य बने और इतनी ऊंची सोचें। अब ऊंचा सोचो, ऊंचा सोचो, ऊंचा सोचेंगे, अब बनो महान, बनो महान, महान बनेंगे, रोके हैं किसी के भी रोके से ना रुकेंगे। अच्छा, रोकता कौन है? हमारा मन, और कौन रोकेगा? दुनिया में हम क्या सोच रहे हैं ये तो हमारा मन ही जानता है ना। अब हमारे मन में कौन आ जाएगा? मन में तो केवल हम हैं या हमारा भगवान है, परमात्मा है। तो परमात्मा के निकट बैठ के हमें सोचना है, हे परमात्मा आज के लिए तू क्या चाहता है और मुझसे क्या चाहता है, मैं क्या करूं, तू मुझे सहायता कर, तू मेरी सहायता कर, हेल्प मी, ओ परमात्मा तू मेरी सहायता कर, जिससे कि मैं तेरी इच्छाओं की पूर्ति कर सकूं, तेरी आज्ञाओं का पालन कर सकूं, तू जो चाहता है। अब परमात्मा आज क्या चाहता है? आज परमात्मा चाहता है एकता, तो दुनिया को एक कर सकूं। परमात्मा का भक्त बनने का आज का केवल एक ही उपाय है। रामचंद्र जी के जमाने में 7,500 वर्ष पूर्व आए थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने आकर मानव जीवन को मर्यादा किया, मर्यादित किया, तो उस समय मूल्य था मर्यादा का कि मानव जीवन मर्यादित हो, वो आज भी जरूरी है। जितने भी दिव्य लोक से संदेश आते हैं वो एक बार आते हैं लेकिन युगों युगों के लिए वो जरूरी होते हैं, तो राम की मर्यादा तो सदैव उसकी आवश्यकता हमें रहेगी। तो मानव जीवन मर्यादित, कितने भाग्यशाली हैं कि आज हमें सब अवतारों से कुछ न कुछ प्राप्त हुआ सामाजिक नियम के रूप में। नैतिक मूल्य तो बहुत हैं, सत्य, प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, सहानुभूति, उदारता, तन मन की सफाई, चरित्र का बल, नैतिकता, विश्वास, पात्रता, त्याग, बलिदान, सेवा की भावना, सैकड़ों की तादाद में आध्यात्मिक गुण हैं जो गीता, रामायण, वेद, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, त्रिपिटक, किताब एकदश में दिए हुए हैं, इनकी तो पुनरावृत्ति बार बार होती है। लेकिन परमात्मा जिस युग काल और परिस्थिति में आता है तो परमात्मा का अवतार परमात्मा सृजित करता है, बनाता है, भेजता है या सृजित करता है, उस अवतार के माध्यम से एक ही परमात्मा अपना संदेश भेजता है उस जगह पे, उस भाषा में जहाँ पर के अवतार होता है, जहाँ सबसे बड़ी कोई समस्या होती है वहीं पर वो आता है और वो ट्रांसलेट होता है, सारी दुनिया में पहुँचा चला जाता है। अब रामचंद्र जी को कोई पुस्तक तो नहीं मिली, इसलिए हिंदू धर्म में अर्ध अवतार मानते हैं। 5,000 वर्ष पूर्व कृष्ण जी की आत्मा में दिव्य ज्ञान आया गीता का, उसमें तो पूरा एक कंप्लीट सेट ऑफ स्पिरिचुअल लॉज आ गया, पूरा एक कंप्लीट सेट ऑफ लॉज, और वो गीता के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। तो गीता में जो ज्ञान दिया है उस समय के लिए न्याय, तो जो न्याय पर चलेगा वो समाज में समाज की सबसे बड़ी सेवा करेगा, जो न्याय के लिए काम करेगा। और उसके बाद 2,500 वर्ष पूर्व बुद्ध की आत्मा में एक और संदेश आया, सम्यक ज्ञान, सब बराबर है, ये किताब ये ऊंच नीच है ये उन्होंने कहा भाई ये गलत है, सब बराबर है, परमात्मा ने सबको बराबर बनाया। तो उन्होंने कहा भाई ये ब्राह्मण बड़े ऊंचे हैं, क्षत्रिय उससे नीचे हैं, वैश्य उससे भी नीचे हैं, शूद्र उससे सबसे नीचे हैं। उन्होंने कहा भाई ये तो समाज को बट जाएगा, समाज बंटवारा हो जाएगा, ये गलत है, परमात्मा ने सबको बराबर बनाया। अब ये तो
परमात्मा तो वो जो न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, न उसका कोई आदि है न तो कोई अंत है उसका, न तो उसका कोई नाम है, उसका कोई नाम नहीं है। नाम कौन रखे? उसका कोई माता पिता नहीं, कभी उसका जन्म ही नहीं हुआ, तो नाम कहाँ से कौन रखेगा? फिर ये नाम क्या है? तो ये नाम तो लोगों ने महसूस किया कि सृष्टि को चलाने वाली कोई न कोई शक्ति है। यह थे सिटी मोंटेसोरी स्कूल के संस्थापक प्रबंधक एवं प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी, जिनका मानना है आज मानव जाति को जय जगत के नारे को बुलंद करने की आवश्यकता है तथा विश्व में वास्तविक शांति लाने के लिए बच्चे ही सबसे सशक्त माध्यम है। छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों के मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर जगदीश गांधी द्वारा लिखित पुस्तकें साहित्य भारती इंटरनेशनल, न्यूमन ग्रुप, 4C अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली 110002 से प्राप्त की जा सकती हैं। World with the power of Jai Jagat, City Montessori School since 1959 has been actively working to construct the defenses of peace in the minds of students, for which CMS in the year 2002 was awarded with the UNESCO Prize for Peace Education. CMS education revolves around the twin poles of godliness and globalism through four pillars of education, namely universal values, excellence in all things, global understanding, and service to humanity. जो तुमने करके दिखलाया नहीं है आता। A pat on the back is worth a thousand words. And City Montessori School, time and again, has always strived to encourage its students in all their endeavors and has propelled them towards greater heights of achievement and acknowledged their efforts at every point in time. The institution has never left a stone unturned to uphold their meritorious students in high esteem. As the ICSE and ISE examination results were declared on 29th May 2017, the very next day, a meritorious students' felicitation function was organized to honor toppers who secured 90% and above marks in the ICSE and ISE examinations 2017. The felicitation ceremony was conducted at CMS Gomtinagar Campus 2. The event started off with a victory march which was on track at 7:30 a.m. from Magdumpur Police Chowki, Gomtinagar, and culminated at CMS Gomtinagar Campus 2. The march was led by the toppers of ICSE and ISE examinations. भारत में ही नहीं विश्व में पाना है सम्मान। तुमने अपने साथ किया हम सबका रोशन नाम। जो तुमने करके दिखलाया नहीं।
तुमने करके दिखलाया, नहीं है आसान काम। आपने ईश्वर की राह पर चलकर ही सर्वोत्तम परिणाम पाया है। शिक्षा मानवीय गुणों का दिव्य खजाना है और शिक्षा ही आनंद का स्रोत है। परीक्षा परिणामों में उच्चतम सफलता अर्जित करने के लिए सभी प्रधानाचार्यों व शिक्षकों को कोटि कोटि बधाइयां। त्याग तपस्या और परिश्रम, त्याग तपस्या और परिश्रम से तुम कभी न हारे। धन्य है माता पिता तुम्हारे, तुम जिनकी संतान। धन्य है माता पिता तुम्हारे, तुम जिनकी संतान। करके दिखलाया, नहीं है आसान काम। जो तुमने करके दिखलाया, नहीं है आसान काम। परीक्षा परिणामों में कीर्तिमान अर्जित करने के लिए सभी शिक्षकों और छात्र छात्राओं को कोटि कोटि बधाइयां। जो तुमने करके दिखलाया, नहीं है आता का। बड़ी भारी तादाद में 1937 बच्चों ने इस वर्ष 90% से 99% नंबर 10th और 12th की बोर्ड की परीक्षा में पाकर एक इतिहास बनाया है। इन इतिहास बनाने वाले बच्चों को जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, आपके मम्मी पापा को बधाइयाँ और आपके टीचर्स को बधाइयाँ, आपकी बड़ी दीदियों को, प्रिंसिपल्स को बधाइयाँ। ये बहुत बड़ी आश्चर्यजनक उपलब्धि है कि इतने सारे बच्चे इतने ऊँचे नंबरों से पास हुए हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद। और हमेशा ये एक चीज़ याद रखो, मनुष्य की तीन रियलिटीज हैं, मैन इज़ द मेटेरियल बींग, मैन इज़ द ह्यूमन बींग, मैन इज़ द डिवाइन बींग। भौतिक ज्ञान में आपने ऊंचाई पाई है, आज भौतिक ज्ञान, अंग्रेजी, भूगोल, गणित, विज्ञान का आपका बहुत उच्च कोटि का है, लेकिन इसको सदैव याद रखो कि मनुष्य की तीन वास्तविकताएं हैं, मैन इज़ द मेटेरियल बींग, मैन इज़ द ह्यूमन बींग, मैन इज़ द डिवाइन बींग। तो मनुष्य को केवल भौतिक ज्ञान ही नहीं बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी उसे उत्तरदायी बनना है, समाज के लिए एक उत्तरदायी नागरिक बनना है, जिससे समाज आपसे लाभान्वित हो सके। जय जगत, जय जगत, जय जगत पुकारे जा, सबके हित के वास्ते खुद का सुख बिसारे जा। तो आप तैयार हो रहे हैं, तैयार हो गए हैं, इसलिए कि आप दुनिया में लड़ाइयां बंद करेंगे। महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए कौन सा हथियार चुना था? उन्होंने चुना था सत्य और अहिंसा का, और आपको दुनिया से लड़ाइयाँ बंद कराने के लिए एक हथियार चुनना है, और वो हथियार है जय जगत का। आज का दिन सेलिब्रेशन का है, आज का दिन प्रिंसिपल्स को बधाई देने का है, आज का दिन प्रिंसिपल्स आर ट्रू लीडर्स ऑफ अर्थ, दे आर द एफिशिएंट, मोस्ट एफिशिएंट कैप्टन ऑफ द शिप, मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज, द पीपल हु हैव गॉट वेरी गुड मार्क्स, दे शुड नॉट just be in the glory of very good marks, and the students have got not so good marks, they should not feel dejected. Life is a continuous journey, and at every stage of your life, have confidence in yourself, never get depressed, and do your best in life, because life unfolds at every moment. And enjoy your life, because this is a time of enjoyment.
If you don't enjoy your childhood, your studies, after your studies are over, you will not get time, which is a real good times of your life. I still remember the life of my college days, of my school days. If I go back in my history of life, I will find that those days were much more better. We had no responsibilities, and the responsibilities were all of our parents. As a student, you should always be grateful to your parents and your teachers, because it is the hard work of your parents and your teachers that you are here. We need to have this ethical value also in our life, and I am thankful to the CMS Lucknow that CMS Lucknow really brings the ethical and the moral values in the curriculum of their whole system. I will just request one thing, that my son was also in the same school, and when I came in around 3-4 years back to Lucknow, I requested Gandhiji for admission of my school, of my son to the school. And he said the principal is very strict. She doesn't listen to me also. But still, I'll put in a word. And he'll have to go through the test. And now he has got 94%. And the principal is sitting here. And I requested Miss Manjeet Batra. No, Madam Batra. So she took the test, and luckily he passed and he got admission. So the quality of admission, if it is so strict and the principals have the mandate to run the school, no doubt it shows in the result. If we only do admissions by sifarish and the merit is not there, the results would not happen like this. I once again compliment all the management, the teachers, the principals of the CMS, and the parents of the students who have done wonderfully well. I remember 2-3 names, Ayushi Srivastav and Pratyush, Pranjal, sorry. And many more students who have brought laurels to their families, to the school, and to Lucknow. So as Commissioner Lucknow, I'll pay my gratitude to the students who have brought laurels to UP and Lucknow. Shikshatmak Sanskritik Karikram Evam Chintan Hetu Vishwa Ekta Satsangi Aap Sabhi Sabarivar Sadar Amantrit Hain.